वेलकम ऑन यूट्यूब माई चैनल वेदांशी कॉम्पिटिशन क्लासेज। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि आज मैं लेके आया हूँ साधारण ब्याज पार्ट टू। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर, 8 माह का साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है दोस्तों 6,000 मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल रेट दे रखी है 6% और टाइम कितना है 8 माह है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ब्याज निकालना है, ब्याज कैलकुलेट करना है तुमको और ब्याज को फिर मूलधन में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे तुमको क्या पता चलेगा, मिश्र धन। तो ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों क्या है आपको पता है, PTR बराबर I मल्टीप्लाई 100। इस एक फॉर्मूले से अपन सभी चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट अपन को फाइंड आउट करना है तो 100 इसके नीचे भेज देंगे, तो PTR की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों 6,000, टाइम दे रखा है 8 माह है, मल्टीप्लाई रेट कितनी है दोस्तों 6% है, परसेंट है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100, या फिर फॉर्मूले में भी 100 है। और यहाँ पे दोस्तों इस बार 8 माह है तो 8 माह को अपन ईयर में चेंज करेंगे तो नीचे 12 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ब्याज, तो कितना आएगा दोस्तों 20 से 20, 12 5 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 5 30 और 30 × 8 कितना होगा दोस्तों 8 × 24 240। ठीक है दोस्तों, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों 6,000 + 240, तो ये 6,640 विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। इस वर्ष दोस्तों आपको दिनों में दे रखा है और ब्याज आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है अपन को। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे अपन इसको, पी की वैल्यू दोस्तों गिवन है 2,500, इंटरेस्ट अपन को ज्ञात करना है ब्याज, 2,500 × 5% 219 दिन। ठीक है दोस्तों, नीचे 100 इंटू, जब दिन दे रखा हो तो दोस्तों एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डे की बात करें तो आपको टोटल डे लेना है ईयर के। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो दोस्तों 5 से काटते हैं अपन, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15 और ये इसको काट देगा दोस्तों, कितनी बार काटेगा दोस्तों 3 बार, 3 × 3 = 9 = 7 = 21, 3 times। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या आ गया 25 × 3 = 75, 75 रुपये आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 75 रुपीज अपना राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, 3,200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है आपको, समय दिया है 4 अप्रैल से 16 जून तक का, तो कैसे करना है इसको दोस्तों, 4 अप्रैल से आपको 16 जून तक कितने दिन हो रहे हैं वो आपको काउंट करना है। तो 4 अप्रैल 2 16 जून, तो इसके मिड में दोस्तों कितने दिन हुए, 4 अप्रैल से काउंट करना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस दिन पैसे जमा कराते हैं वो दिन काउंट नहीं करते, 4 के बाद में अपन करेंगे 5 से लेके 16 जून तक। ठीक है दोस्तों, तो 5 अप्रैल से, अप्रैल में कितने दिन होते हैं दोस्तों 30 होते हैं, 30 में से अपन 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे अपने 26 प्लस अप्रैल के बाद में मई 31, फिर जून आ जाएगा दोस्तों और ये 16 दिन, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों
6 1 7, 7 3 5, वो सॉरी 6 6 12 1 13, और हासिल 1 1 1 2 3 5, 5 2 7, ये 3 आ गए, 73 डेज आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे कैसे करना है आपको, 73 डेज आ गए, अब आपको सूत्र में रख देना है, ब्याज निकालना है अपन को, तो 3200 × 73 डे मल्टीप्लाई दर दे रखा है 500, जब दिन दे रखा हो तो नीचे क्या करेंगे दोस्तों, 365, कितनी बार कटेगा ये, 5 बार कटेगा, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 times, 5 से 5 कैंसिल, 2 0 से 2, तो 32 अपना ब्याज आ जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर इज 32। ठीक है दोस्तों,